हेलो बच्चों, आज आपकी प्री जीएसटी इंट्रोडक्शन की कौन सी क्लास है? हेलो, आज आपकी ये फोर्थ क्लास है। चलिए स्टार्ट कीजिए फोर्थ क्लास। क्लास नंबर फोर। चैप्टर वन ही चल रहा है अभी, और प्री जीएसटी का चल रहा है। ये ज़्यादा क्लास नंबर्स दिख रहे हैं क्योंकि हमने बहुत लंबी लंबी लेक्चर्स नहीं बनाई है। 40 से 45 मिनट का एक लेक्चर आपको मिलेगा। अगर मैं एक सवा घंटे का बनाता तो थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन बात तो वही, अल्टीमेटली कितने मिनट्स लगते हैं आपको। और टाइमिंग अगर आधा एक घंटा ज़्यादा भी लग जाए, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? समझना, समझ में आना जरूरी है। क्लास नंबर फोर। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में एक पॉइंट था जिसको काफ़ी इंसिस्ट किया था कि कुछ ऐसे केसेस थे, सम केसेस वेयर आई टी सी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, सम केसेस वेयर आईटीसी वर नॉट अलॉट, टू वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर। कुछ केसेस थे जहां पे कि आईटीसी इन इनडायरेक्ट टैक्स क्रेडिट बंदों को नहीं मिल पाता था। बात समझ गए? अगर वो क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आई एम सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स क्रेडिट बोल दिया मैंने इसको, ये क्या था? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये नहीं मिल पाता था तो अल्टीमेटली वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर क्या होता था? फोर्स हो जाता था किसके लिए? इसको गुड्स की कीमत में प्लस करने के लिए। मैंने आपको कई बार सिखा रखा है, फिर भी एक बार बोलता हूँ कि आप अल्टीमेटली नेट टैक्स क्या पे करते हैं गवर्नमेंट को? सर, आउटपुट माइनस इनपुट नेट पे करते हैं। आउटपुट मान लो 4000 है, इनपुट मान लो 1000 है, माइनस करके 2000 पे करोगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर ऐसा कह देगी कि 3000 तो ठीक है, लेकिन इसमें से 1000 आपको हम नहीं माइनस करने देंगे, मुझे पूरा 3000 पे करो, तो आप क्या करोगे? गवर्नमेंट की बात तो माननी पड़ेगी आपको। तो अल्टीमेटली फिर इस 1000 को आप क्या करोगे? विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। लीडिंग टू कैस्केडिंग इफेक्ट। ये बातें पिछले क्लास की मैं रिपीट कर रहा हूं। तो सर, आपने कहा था कि वैट काफी अच्छी सिस्टम है, इनडायरेक्ट सिस्टम जब वैट आया था तो काफी अच्छा हो गया था, तो फिर ये सिचुएशन क्यों था? ठीक है जी, आज की क्लास में हम कोई पहेली नहीं बुझा सकते, आज हम कोई बहाना भी नहीं बना सकते, आज की क्लास में तो उसके बारे में हम डिस्कस आपसे जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो आइए ये बात हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और क्या डिस्कस करेंगे वो टॉपिक भी आप लिख लीजिए। मेजर डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स प्रायर टू जीएसटी, लिखिए मेजर डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इन द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स प्रायर टू जीएसटी। जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफेक्ट्स था, मेजर डिफेक्ट्स क्या थे? आज इसकी भी बात होगी आपसे, ऑफकोर्स इसके बारे में भी बात होगी।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं मिल पाता था। इन दो पॉइंट को या सॉल्व करेंगे उनको और मेजर डिफेक्ट्स को। देखिए अगर मैं किसी और की तकलीफ आपको समझाऊंगा ना तो दूसरे की तकलीफ इंसान जल्दी समझ नहीं पाता है, मानते हो? दूसरे की तकलीफ इंसान जल्दी समझ नहीं पाता है। अगर मैं ये तकलीफ आपसे जोड़कर बताऊं तो फिर आपको ज़्यादा समय में आएगा। चलिए इस तकलीफ का, इस प्रॉब्लम का डिस्कशंस करते हैं। आपको एक बिजनेसमैन बनाते हैं, आपको एक मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। मान लीजिए आपका नाम क्या है? मिस्टर ए। और आप क्या हैं? एक मैन्युफैक्चरर। और आप कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? दिल्ली में। याद रखिएगा इस चीज़ को, आप मिस्टर ए हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं? आप दिल्ली में करते हैं। आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होगा। क्या पे करना होगा आपको? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन कितने तरह के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं अभी तक मैंने आपसे ये बातें करी नहीं है। अब वक्त आ चुका है उसके बारे में बात आपसे खुलकर करने का। देखिए जी कौन कौन से टैक्स, अगर मैं फिर से एक बार बोलूं आपके कि टैक्स जो सिस्टम हमारे यहाँ है वो दो तरह के कौन कौन से हैं। एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं जानता हूँ कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक दो सेंटेंस रिपीट होगा फिर सब कुछ नया आ जाएगा। दूसरा क्या? डायरेक्ट टैक्स है। इसका डिफरेंस बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ आपको। डायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि इनकम टैक्स में क्या होता है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट सेम पर्सन पे होता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं बताना, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब इस वक्त ये बताना कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इनकम टैक्स में सेम होता है अच्छा नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्टेज है। आपको कहे सर आपने दो बार तो भी बता दिया है बहाने बहाने से, तो मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता, लेकिन चलो बहाने बहाने से बता दिया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस अलग अलग होते हैं। इम्पैक्ट वेंडर के ऊपर होता है, इंसिडेंस अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर होता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो भी दो तरह के प्रोडक्ट्स पे लगते थे। एक आपका लगता था गुड्स पे, दूसरा लगता था सर्विसेज पे। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स के ऊपर जो लगते थे उसमें कई तरह के लगते थे। गुड्स के ऊपर अगर गुड्स की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ध्यान समझिएगा, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था, और अल्टीमेटली आप किससे कलेक्ट करते थे? कंज्यूमर से। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करेंगे और अल्टीमेटली इसको कंज्यूमर से कलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आप इम्पोर्ट करते हैं या आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट पे क्या पे करना होता है? इम्पोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी। इस दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? इस दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? इनको कंबाइंड तरीके से कहते हैं, आई एम सॉरी, इनको कंबाइंड तरीके से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ये इम्पोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी कंबाइंड रूप से क्या कहलाता है? कस्टम ड्यूटी। याद रहेगा आपको? यस सर। तो गुड्स के ऊपर ये है, अगर आपने इम्पोर्ट किया तो इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, कंबाइंड रूप से उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग किया तो एक्साइज ड्यूटी। अगर आपने सेल्स करी तो उसके ऊपर क्या होता था? सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स अल्टीमेटली ये भी दो तरह का हो जाता था। सेल्स टैक्स दो तरह का, कौन कौन सा? अगर ये इंट्रा स्टेट सेल है, इंट्रा स्टेट सेल है तो होता था वैट, जिसको बोलते थे लोकल सेल्स टैक्स। इंट्रा स्टेट समझ गए? एक ही स्टेट के अंदर
इंट्रा स्टेट में। और ये लोकल सेल्स टैक्स, हमारे यहाँ कितने तरह के थे? हमारे यहाँ कुछ दिन पहले तक 29 स्टेट्स थे और 2 UT। यूटी तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें तो 2 UT की बात हम कर रहे हैं। हालांकि अब मैं ऐसा करूंगा, इसमें से इसको 28 स्टेट्स कर दूंगा और यूटी में कर दूंगा 3। ऐसा क्यों सर? देखो, उन सारे स्टेट्स की बात मैं कर रहा हूं जिस स्टेट में अपना लेजिस्लेटिव है, जिसकी अपनी विधानसभा है, जहां से कानून बनते हैं। तो ऐसे 29 स्टेट्स थे। यूटी की अपनी विधानसभा नहीं होती है, लेकिन 2 UT का अपना लेजिस्लेटिव है। एक है पौंडीचेरी, जिसको पुडुचेरी भी कहते हैं, और दूसरा दिल्ली। इस दो का अपना लेजिस्लेटिव है, तो ये भी अपना सेल्स टैक्स लॉ बना सकते हैं। तो इसको भी मैंने इंक्लूड किया यहाँ पे। लेकिन मैंने ये चेंज क्यों कर दिया? क्योंकि 29 में से एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जिसको 5 अगस्त के जो कानून बना था, मेरे ख्याल से अप्लीकेबल अक्टूबर से हुआ था, 31 अक्टूबर से शायद, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। लेकिन जो लॉ लाई गई थी, चेंजेस लाए गए थे, 5 अगस्त को लाया गया था। काफ़ी ज़्यादा बर्निंग है, आप जानते हैं, आपने काफ़ी न्यूज़ भी सुन रखा होगा, काफ़ी इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हुआ। तो 29 स्टेट्स में से एक जम्मू एंड कश्मीर है, जो अल्टीमेटली अब कहाँ शिफ्ट कर गया? यूटी में। हालांकि उसकी यूटी का स्टेटस टेम्परेरी है, गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आने वाले समय में सब कुछ माहौल ठीक होगा वहाँ पे, तो उसको फिर स्टेट का जो उसकी स्टेटस थी उसको दे दी जाएगी। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है? 28 स्टेट्स एंड 3 UT। 2 UT तो थे पहले, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, और 1 UT कौन सा आ गया? जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा यूटी और भी हैं। जैसे मैं साउथ से देखना स्टार्ट करूं तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, 2 हो गए। तीसरा हो गया आपको, अगर और अंदर आऊं तो आपको दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, इधर चंडीगढ़, और एक नया और बना लद्दाख। तो ये सारी यूटी है। दिल्ली है लेकिन उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जम्मू कश्मीर है उसकी अपनी असेंबली है, और पुडुचेरी है उसकी अपनी असेंबली है। तो मैंने अभी उस स्टेट्स की बात करी जिसकी अपनी असेंबली है। तो इस तरह से देखो आप, 29 + 2 भी कितने होते हैं? 31। और 28 + 3 भी कितने होते हैं? 31। तो इस तरह से 31 सेल्स टैक्स थे हमारे यहाँ, 31 वैट लॉ थे। हर स्टेट्स का अपना लॉ था, 31 वैट लॉ था, मान समझ गए? लेकिन जब इंटर स्टेट सेल होता था, इंटर स्टेट सेल्स, समझ गए? जैसे मान लीजिए दिल्ली और बिहार, इसके बीच में सेल हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट सेल्स। इसमें क्या लगता था? इसमें सेल्स टैक्स का दूसरा लॉ लगता था, उसको बोलते थे CST। इसका नाम था सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये कानून किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन ये कानून क्यों बनाना पड़ा? अगर एक स्टेट के अंदर सेल हो, एक स्टेट के अंदर परचेज भी और सेल भी हो, तब तो कोई लड़ाई थी नहीं। जो भी टैक्स कलेक्टेड होगा, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर ही परचेज हुआ, दिल्ली के अंदर ही सेल हुआ, तो जो भी टैक्स कलेक्ट होगा किसको मिलेगा? दिल्ली गवर्नमेंट को, तो कोई लड़ाई है ही नहीं। लेकिन जब दिल्ली से बिहार सेल हुआ तो प्रॉब्लम किस बात की आ गई? या बिहार से दिल्ली सेल हुआ तो प्रॉब्लम किस बात की आ गई कि टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, बिहार सरकार या दिल्ली सरकार? मानते हो, बिहार गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट, इसकी प्रॉब्लम आ गई। ऑफकोर्स प्रॉब्लम होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप ऐसे तो लड़ के फिर काम ही खराब कर देंगे, सारे केसेस अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते रहेंगे। तो इससे अच्छा कि आप लड़ाई मत करो। 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप लड़ाई मत करो, हम एक कॉमन कानून बनाते हैं, एक लॉ बनाते हैं, और वो लॉ जो है ना पूरे इंडिया में हर स्टेट्स पे अप्लीकेबल होगा। कानून मुझे बनाने दो, अप्लीकेबल हर जगह होगा, क्योंकि आपके मसले को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, उसका नाम क्या था? CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स मतलब साफ सी बात है कि जब भी इंटर स्टेट सेल होगा, दिल्ली एंड बिहार में सेल्स होगा, तो इसमें जो टैक्स कलेक्ट होगी, टैक्स चार्ज होगी, चार्ज मतलब लेवी, कौन सी टैक्स लेवी होगी? CST लेवी होगी। किसकी CST लॉ है? सेंट्रल गवर्नमेंट की।
लेवी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, लेवी तो सीएसटी होगा, लेकिन जब टैक्स कलेक्ट होके आएगा तो किसी एक स्टेट को मिलेगा। किसको मिलेगा भाई? दिल्ली या बिहार को। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स में लिखा हुआ है ये ओरिजिन बेस्ड, ओरिजिन बेस्ड टैक्स होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ओरिजिन बेस्ड टैक्स होगा। ओरिजिन से यहां क्या समझते हैं मतलब आप? ओरिजिन का मतलब यहां क्या समझते हैं आप? ओरिजिन बेस्ड टैक्स मतलब यह हुआ कि जिस स्टेट से सेल्स स्टार्ट हुआ है, मतलब अल्टीमेटली गुड्स जहां से मूव करना स्टार्ट किया है। दिल्ली ने अगर बिहार को बेचा तो गुड की मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुई है? दिल्ली से स्टार्ट हुई है। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कहां हुई है? दिल्ली में हुई है। तो जो सेलिंग स्टेट है उसको टैक्स मिलेगा, जिसके यहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ, जिसके यहां से गुड्स ट्रांसफर हुआ है उसको टैक्स मिलेगा। इसलिए इसको बोलते थे ओरिजिन बेस्ड टैक्स, मान गए? तो अगर दिल्ली से बिहार सेल हुआ है तो दिल्ली को मिलेगा, और बिहार से अगर दिल्ली सेल हुआ है तो बिहार को मिलेगा। सीएसटी बिहार को मिलेगा, यहां सीएसटी किसको मिलेगा? दिल्ली को मिलेगा। ये लॉ किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सबके लिए अप्लीकेबल है, इसलिए किसी को भी अब किसी से शिकायत नहीं है। ओरिजिन बेस्ड टैक्स हो गया। अब ये बताइए कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स में कि क्या खास बात थी? ओरिजिन टैक्स बेस्ड टैक्स की खास बात ये थी कि अल्टीमेटली जो स्टेट्स, जिस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा था, दोज स्टेट्स विच हैव मोर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंड सर्विसेस, सर्विसेस आर मोर रिच स्टेट्स। क्योंकि जिसके यहां मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके यहां सर्विसेज है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपनी सर्विसेज रिमेनिंग सारे स्टेट्स को सप्लाई करता है। तो आपने भी देखा ओरिजिन बेस्ड टैक्स ने क्या सिखाया आपको कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, अल्टीमेटली टैक्स उसी की है। तो हमारे यहां कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो काफी बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, या फिर साउथ में तमिलनाडु ले लो, ये सब ज़्यादा सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इनको क्या मिलता है? ज़्यादा टैक्स मिलते थे, ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स उनके पास ही होते थे, राइट? ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। लेकिन चिंता मत करना, जब हम आपको जीएसटी पढ़ाएंगे, ये बात मैं यहाँ ब्रैकेट में ले देता हूँ, जब आपको हम जीएसटी पढ़ाएंगे तो देखना बिल्कुल ये कानून पलट जाएगा, ये रूल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जीएसटी में ये रूल क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा ओरिजिन बेस्ड टैक्स। सॉरी आई एम सॉरी, ओरिजिन क्यों लिखा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फिर से लिख देता हूं, अभी इसके बारे में बहुत अच्छी बात होगी आपसे, चिंता मत करो। क्या होगा ये? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या मतलब सर इसका? इसकी बातें जब आगे समझाओगे तब समझाओगे, कुछ तो अभी बता दो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ। सुन लो भाई, आपको धीरज नहीं है, आपको धैर्य नहीं है, आप सुनना चाहते हो तो सुन लो। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बिल्कुल ओरिजिन बेस्ड टैक्स का जस्ट अपोजिट हो गया। अब यहां पे बात यह आएगी, दिल्ली ने सप्लाई किया बिहार को, तो सीएसटी किसने कलेक्ट किया था? दिल्ली ने। लेकिन अब क्या होगा, दिल्ली अगर बिहार को सप्लाई करेगा तो जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? बिहार कलेक्ट करेगा। क्योंकि अब ये बिल्कुल फंडा उल्टा हो गया है। फंडा क्या हो गया कि भाई दिल्ली सर, दिल्ली के यहाँ से गुड्स गया, गुड्स कहाँ गया? बिहार गया। अल्टीमेटली किसने उस गुड्स को परचेज किया? बिहार के लोगों ने गुड्स को परचेज किया। बिहार के लोगों के हार्ड कोर अर्निंग मनी उस गुड्स में लगा। तो जब बिहार के लोगों का पैसा लगा उस गुड्स में और बिहार के लोगों ने उस गुड्स को कंज्यूम किया, तो उसका टैक्स बिहार सरकार को मिलना चाहिए और वो डेवलपमेंट बिहार की होनी चाहिए और उन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए जिन लोगों ने उस गुड्स को कंज्यूम किया है और टैक्स दिया है। ओरिजिन बेस्ड टैक्स में क्या होता था कि कंज्यूम किसने किया? बिहार ने, बिहार के लोगों ने कंज्यूम किया। और वो टैक्स कहां आता था? दिल्ली में। वो टैक्स किसके काम आता था? दिल्ली के काम आता था। पैसा खर्च हुआ बिहार का, काम आया दिल्ली का। ऐसे तो दो चार पांच स्टेट जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है सारा बेनिफिट उठालेंगे, और जितने भी स्टेट्स जो कंज्यूम करते हैं उसको कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, मान गए जी? यस सर। तो अब क्या कहानी हो गई है भाई, जो कंज्यूम करेगा,
जो खाएगा, जो सर्विस लेगा वो टैक्स पे करेगा और उसका बेनिफिट उसी को मिलेगा। तो ये हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जस्ट अपोजिट। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अब वो सारे स्टेट्स जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी है, जिसके पास सर्विस प्रोवाइड करने की क्षमता नहीं भी है, फिर भी वो स्टेट अब क्या करेगा, टैक्स में ज़्यादा हिस्सा लेगा, ज़्यादा इनडायरेक्ट है, ज़्यादा GST कलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि उनके यहाँ कंज्यूमर तो है, कंज्यूम तो करते हैं। कौन सा स्टेट जहाँ कंज्यूमशन नहीं होती है? कौन सा स्टेट है जहाँ क्लोथ्स नहीं, गारमेंट्स नहीं परचेज किए जाते, जहाँ खाने पीने की रेस्टोरेंट नहीं होते, जहाँ एजुकेशन की बातें नहीं होती है? क्या नहीं होता? हर तरह के सर्विसेज होते हैं। तो अब टैक्स का जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन था टैक्स का, वो थोड़ा सा ज़्यादा इवन होगा, सब स्टेट्स को सही से हिस्सा मिल पाएगा। मान गए जी? यस सर। आगे इसके बारे में और बात होगी। तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स अभी तक चल रहा था, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की बात तो आगे होगी। यस सर। कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई, चलिए एक बार बात को फिर से समेटते हैं। क्या बात हुई है? बात यह हुई सर कि इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के थे, गुड्स एंड सर्विसेज पे थे। गुड्स पे मैन्युफैक्चरिंग तो एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, दोनों को क्या कहते थे? कस्टम ड्यूटी। सेल्स पे क्या? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कितने तरह के हो गए थे? दो तरह के। इंट्रा स्टेट कोई पंगा था ही नहीं, उसको क्या बोलते थे? वैट। और क्या बोलते थे? लोकल सेल्स टैक्स। कितने थे? 31, क्योंकि 31 स्टेट्स थे हमारे यहाँ जिसके पास लेजिस्लेटिव थी अपनी, जिसको लॉ बनाने की परमिशंस थी, है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटर स्टेट सेल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया? CST। CST लेवी कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो टैक्स आता था किसको मिलता था? स्टेट्स को। कौन से स्टेट्स को? ओरिजिन बेस्ड लॉ था तो ओरिजिन वाले स्टेट को, जहां से सेल्स एंड सर्विसेज स्टार्ट होती थी, क्रिएट होती थी, उसको मिलता था। यस सर। लेकिन ये सारा कुछ बदल गया है, बदलने की बात में होगी। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आ गया है, ये बात की बात होगी। लेकिन ओरिजिन बेस्ड टैक्स का नुकसान क्या था? कि जो स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, सर्विस प्रोवाइडर स्टेट्स है, सिर्फ वही स्टेट्स ज़्यादा टैक्स में हिस्सा ले पाता था और वो रिच स्टेट्स होते थे। यस सर। यहाँ तक की बातें तो क्लियर, ठीक है जी। आइए जी, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स की कुछ बातें हुई। अब देखिए कि आपको याद है कि मैंने आपको क्या बनाया था, मिस्टर ए माना था आपको, और आपको कहा था कि आप मैन्युफैक्चरर हैं और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं? आप दिल्ली में करते हैं। ये बातें पीछे रह गई थी, आइए वापस मुड़ते हैं और फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ, क्या आप मिस्टर ए हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं? आप दिल्ली में करते हैं। अब देखते हैं कि आप अगर मिस्टर ए हैं, आप अपने आप को मिस्टर ए मान लो, अगर आप मान लोगे तो आप ज़्यादा समझ पाओगे, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था कि दूसरे की तकलीफ समय में नहीं आती है, जब खुद पर लेकर चलो तो तकलीफ समय में आती है। तो मान के चलो आप मिस्टर ए हैं, मान लिया? यस सर। मैन्युफैक्चरिंग और कहाँ हो रही है? दिल्ली में हो रही है। अब ये बताइए, आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए रॉ मटेरियल। क्या चाहिए आपको? रॉ मटेरियल। आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखते जाइए। रॉ मटेरियल परचेस्ड। अब बताओ रॉ मटेरियल क्या हो सकता है आपका, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस। मान लीजिए आप कार मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कार गारमेंट्स कुछ भी ले, कार मैन्युफैक्चरर हैं, तो कार के लिए रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? स्टील हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो स्टील आप क्या करोगे? परचेज करोगे। आप किससे परचेज करोगे? आप मान लो दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप दिल्ली से परचेज करोगे। अगर आप दिल्ली से परचेज करते हैं तो कुछ बात और होगी, अगर स्टील आप किसी और स्टेट गुजरात से परचेज करते हैं तो कुछ बात और होगी, राजस्थान से परचेज करते हैं तो कुछ बात और होगी। लेकिन जिससे भी आप स्टील परचेज करते हैं, जिससे भी आप स्टील परचेज करते हैं, वो बंदा स्टील पहले बनाया होगा। ध्यान सुनना, कार बनाने के लिए आपको स्टील चाहिए और स्टील आपने परचेज किया है, जिससे परचेज किया है उसने स्टील बनाया होगा, और वो बनाया होगा, वो मैन्युफैक्चरर होगा, तो आपसे क्या चार्ज करेगा? आपसे एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा। मान गए? मान लीजिए कि आप स्टील दिल्ली में किसी और बिजनेसमैन से परचेज करते हैं, ध्यान सुनना, दिल्ली में ही किसी और बिजनेसमैन से परचेज करते हैं, तो बिजनेसमैन आपसे क्या कहेगा? भाई साहब मेरे से स्टील खरीदना चाहते हो, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आपको पता है ना, हाँ यार, तो मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है ना? यस। और एक्साइज ड्यूटी मैं किससे लूंगा? आपसे लूंगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी पे तो करेगा, लेकिन अल्टीमेटली किस पे चार्ज कर देगा वो?
परचेजर पे, तो यहाँ तो आप परचेजर हैं तो आप पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर देगा। बात समझ गए? फिर से समझिए, मान लीजिए आपने स्टील किससे परचेज किया, मिस्टर बी से। मिस्टर बी मैन्युफैक्चरर है, उसने मैन्युफैक्चरिंग की तो एक्साइज ड्यूटी उससे गवर्नमेंट लिया, और वो एक्साइज ड्यूटी किस पे चार्ज कर देगा, मिस्टर ए पे, क्योंकि मिस्टर ए यहाँ पे परचेजर है। यही तो इनडायरेक्ट टैक्स का फंडा है कि वेंडर मिस्टर बी है वो टैक्स चार्ज करेगा, और किससे लेगा, परचेजर मिस्टर ए से लेगा। ज़्यादा बोलूँगा कन्फ्यूज़ कर जाएंगे। तो रॉ मटेरियल पे आपको एक्साइज ड्यूटी क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको इनपुट टैक्स की, अभी मैं सारे इनपुट टैक्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इधर मैं इनपुट टैक्स की बात करता हूँ, इधर मैं बात करूँगा आउटपुट टैक्स की। इधर मैं बात करूंगा आउटपुट टैक्स की, पहले आउटपुट टैक्स की बात, बाद में पहले किसकी बात कर लीजिए, आप इनपुट टैक्स की बात कर लीजिए। तो कार बनाने के लिए आपको स्टील चाहिए, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके लिए आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ा, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कौन करती है, याद रखिएगा इस चीज को। इस बात को यहां पर लिखने से पहले मैं यहां समझा देता हूं, यहां पर समझाता हूं। एक्साइज ड्यूटी ऑलवेज कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ऑलवेज, लेकिन कुछ गुड्स पे सम, मैं लिखता हूं यहां सिन गुड्स, सिन मतलब जैसे क्या, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, सारे गुड्स पे लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कुछ गुड्स को छोड़कर, जैसे टोबैको हो गया, वाइन हो गया, अल्कोहल जिसको बोलते हैं आप, उन सब पे स्टेट गवर्नमेंट लेती है, अदरवाइज रिमेनिंग सब पे कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स देखा आपने, जो लोकल सेल्स टैक्स था या फिर जो सीएसटी था, ये दोनों कौन लेती है, सेल्स टैक्स लेती है स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल भी हो या सेंट्रल भी हो। सेंट्रल सेल्स टैक्स सिर्फ नाम का सेंट्रल है, अदरवाइज ये है अल्टीमेटली किसका इनकम, ये स्टेट गवर्नमेंट का इनकम है। यस सर, ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है। सर्विस टैक्स जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, इनकम टैक्स तो यहाँ जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। देखो कितने सारे हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कमाने के कितने सोर्स हैं, एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट के कमाने का क्या रास्ता है, सबसे बड़ा रास्ता है सेल्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, और थोड़ा सा रास्ता क्या है, ये सिन गुड्स भी है, अल्कोहल एंड टोबैको भी है। पहली बात फिर से दोबारा से समझिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे जवाब देंगे तब मैं आगे बढ़ूँगा। एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग लेने का परमिशन किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी दूसरे कंट्री से आप परचेज करके लाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा ना, या बेचोगे तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स कितने तरह के होते हैं, लोकल सेल्स टैक्स जिसको क्या बोलते हैं, वैट, वो भी कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट। और सीएसटी कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, ओरिजिन वाला स्टेट गवर्नमेंट, जहां से मैन्युफैक्चरिंग, जहां से सेल्स स्टार्ट हुआ है। यस सर, तो इस तरीके से आप फिर वापस आ जाइए, ये एक्साइज ड्यूटी आपसे कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, यस सर। लेकिन मिस्टर बी स्टील का मैन्युफैक्चरर था, मिस्टर बी स्टील का मैन्युफैक्चरर था, इसने आपको स्टील बेचा तो आपसे एक्साइज ड्यूटी लिया, लेकिन अगर ये सामान सेल करेगा तो आपसे क्या लेगा, सेल करेगा तो आपसे सेल्स टैक्स भी लेगा, जिसको वैट बोलते हैं, अभी तो बात हुई है, सेल्स टैक्स भी लेगा। अगर दिल्ली के अंदर बात हुई तो क्या लेगा आपसे, वैट लेगा। अगर मिस्टर बी भी कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, तो वैट लेगा। सपोज कीजिए कौन कलेक्ट करेगा आपका, गवर्नमेंट का नाम लिख लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट। अगर मिस्टर बी कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, मिस्टर बी दिल्ली में रहता है और आप भी दिल्ली में रहते हैं, तो आपने इंटर स्टेट सेल्स का हिस्सा ही है, तो सॉरी इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा स्टेट में क्या होता है, वैट होता है। और यहाँ पे डेस्ट ऑरिजिन भी कौन है, दिल्ली गवर्नमेंट ही है, तो वैट दिल्ली गवर्नमेंट लेगी, बिल्कुल सही बात। उसके बाद सर, और अगर मान लीजिए कुछ सामान आप दिल्ली से परचेज नहीं करते हैं, बल्कि गुजरात से परचेज करते हैं या राजस्थान से परचेज करते हैं,
कुछ समान कर सकते नहीं कर सकते, तो वहां क्या लगेगा, वहां पे सीएसटी लगेगा। और वो कौन सी गवर्नमेंट लेगा, राजस्थान गवर्नमेंट लेगा, राजस्थान गवर्नमेंट लेगा, नहीं लेगा? यस सर, बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट लेगा, क्योंकि सामान हमने कहां से परचेज किया, राजस्थान से, ओरिजिन कहां पे, राजस्थान पे है, इंटर स्टेट सेल्स हो गया, यस सर, तो सीएसटी लगेगा, लेकिन सीएसटी अल्टीमेटली होगा किसका, राजस्थान गवर्नमेंट का होगा। अगर मान लीजिए कि आपने सामान खरीदने के साथ साथ, रॉ मटेरियल खरीदने के साथ साथ, आपने किसी से सर्विस भी ली है, सर्विसेस, सर्विस ली आपने, तो आपको क्या पे करना पड़ा होगा, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स आप चाहे किसी भी स्टेट से खरीद लो, सर्विस टैक्स अल्टीमेटली कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मान गए जी, यस सर। अगर आप विदेश से, फॉरेन कंट्री से कोई सामान परचेज करते हो, तो वहां पे आपको कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा, और ये कस्टम ड्यूटी कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन समझने के लिए आप कस्टम ड्यूटी को भी इग्नोर भी कर सकते हो, यस सर। आइए देखिए, आप एक बार फिर से समझिए इन बातों को, एक बार मुझे समझाने दिए। आपको पता है जैसे ये खत्म होगा ना, सारे कॉन्सेप्ट ही खत्म, और आपको ये भी पता चल जाएगा जीएसटी आया क्यों। देखिए जी, आपको मैंने क्या कहा था कि आप अपने आप को क्या मानिए, मिस्टर ए मानिए। आप क्या करना चाहते हैं, कार बनाना चाहते हैं। कार बनाने से पहले आप आंख बंद करके सोचिए अपने बारे में, फिर से कार बनाना चाहते हैं तो क्या चाहिए आपको, स्टील चाहिए, चाहिए पक्का, और भी रॉ मटेरियल चाहिए। कहां से परचेज करेंगे, या तो दिल्ली में रहते हैं दिल्ली से परचेज करेंगे, या दिल्ली में रहते हैं किसी अदर स्टेट से परचेज करेंगे। दिल्ली में रहते हैं दिल्ली से परचेज किया तो आपने क्या पे किया होगा, वैट पे किया होगा। दिल्ली में रहते हैं अदर स्टेट से परचेज करेंगे तो आपने क्या पे किया होगा, सीएसटी पे किया होगा। लेकिन कार मैन्युफैक्चरर को सर्विसेज भी लेनी पड़ेगी, बहुत तरह की सर्विसेज लेनी पड़ेगी, तो आपने क्या पे किया होगा, सर्विस टैक्स भी पे किया होगा। अभी सिर्फ पेमेंट की बात हो रही है, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर, आपने कौन कौन सी टैक्स पे की होगी, सर्विस टैक्स। आप बाहर से कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ परचेज करेंगे तो कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा। आप किसी मैन्युफैक्चरर से कोई सामान परचेज करोगे तो एक्साइज ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा। मैं आगे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा जब तक कि आप आंख बंद करके ये बात समझ न लें कि भाई एक मैन्युफैक्चरर के लिए इतनी सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते थे, अब तो बहुत कुछ कम हो गया। यस सर, तो क्या सर इतना मुश्किल काम था, ऑफकोर्स मुश्किल था। कितने जगह आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, एक्साइज ड्यूटी में अलग, वैट में अलग, सीएसटी में अलग, सर्विस टैक्स में अलग, कस्टम ड्यूटी में अलग, कितने जगह, ये सारे अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, हर जगह आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको सब कुछ तो आता नहीं है, तो इसके लिए अलग से आपको सीए ढूंढने पड़ेंगे, अलग से स्टाफ ढूंढने पड़ेंगे, उनसे काम करवाने पड़ेंगे। जितना आप बिजनेस नहीं करेंगे, जितना आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, जितना आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, उससे ज़्यादा ध्यान तो आपको सारे कंप्लायंसेज को पूरा करने में लग जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट को पूरा करने में लग जाएगा। मानते नहीं मानते, एक बिजनेसमैन परेशान, मैं तो सोच भी नहीं, मैं शायद हो सकता है यही वजह होगा कि मैं सोचता भी नहीं था मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, भाई कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या क्या करूँ। लेकिन जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो मान लो फिर भी ये सारे कंप्लायंस पूरा कर ले, लेकिन जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्टार्टअप करते हैं, वो तो दिन भर कागज़ पत्थर में, पेपरबाजी में लगा रहेगा, तो कहाँ से काम कर पाएगा। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स थी। अभी इसके बारे में, अभी मैं ड्रॉबैक्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ बताता भी चल रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब है सर कि अब जब मैंने इतने इनपुट टैक्स पे कर दिए तो मेरा कार तो तैयार हो गया। इतने सारे इनपुट टैक्स पे करने के बाद मेरा कार तैयार हो चुका है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ आ गया है, रॉ मटेरियल भी आ गया, अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स भी आ गए, सर्विसेज भी मैंने ले ली, मेरा कार तैयार है। कार मैंने क्यों बनाया, घर में रखने के लिए, नहीं जी नहीं, उसको बेचने के लिए। चलिए कार बेचते हैं, तो बेचेंगे क्या होगा, आप जिसको बेचेंगे उससे आप क्या क्या कलेक्ट करेंगे, जिसको आप बेचेंगे उससे आप सबसे पहले तो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करेंगे। जिसको आप बेचेंगे उससे क्या कलेक्ट करेंगे, एक्साइज ड्यूटी। क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है, और मैन्युफैक्चरर अल्टीमेटली एक्साइज ड्यूटी किस पे चार्ज करता है, कस्टमर पे, मान गए जी। ठीक है सर, तो एक्साइज ड्यूटी जो मेरे से गाड़ी परचेज करेगा, जो मिस्टर ए से गाड़ी परचेज करेगा, मिस्टर ए ने जितनी एक्साइज ड्यूटी पे की होगी बीइंग मैन्युफैक्चरर, वो एक्साइज ड्यूटी अल्टीमेटली किस पे चार्ज कर देगा, कस्टमर पे। मैं इस एक्साइज ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्साइज ड्यूटी किसने पे किया है, मिस्टर ए ने पे किया है। किसने कलेक्ट किया है, मिस्टर बी ने कलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ वेंडर कौन था, मिस्टर बी था। अब यहाँ पे वेंडर कौन हो गया, मिस्टर ए हो गया। अब ये एक्साइज ड्यूटी कौन पे करेगा, कस्टमर। और ये एक्साइज ड्यूटी
कस्टमर पे करेगा, किसको पे करेगा, मिस्टर ए को, और अल्टीमेटली मिस्टर ए किसको पे कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मान गए? यस सर। मुझे लगता है थोड़ी सी हौचपौच हो गई, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। बताइए, कार आपने बेचा, किसको बेचा, कस्टमर को। कस्टमर से क्या कलेक्ट करेंगे आप, एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी आप मिस्टर ए लेकर किसको दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। और क्या लोगे, आप सामान बेच रहे हो ना। मान लीजिए कि आपका कस्टमर दिल्ली में ही है, आप भी दिल्ली में रहते हो, तो आप उससे क्या कलेक्ट करोगे, वैट। वैट कौन लेगा, दिल्ली गवर्नमेंट लेगा, दिल्ली गवर्नमेंट। अगर आपका कस्टमर कहाँ रहता है, आपका कस्टमर रहता है कहाँ, राजस्थान में, तो आप कस्टमर से, सॉरी, कस्टमर पे कौन सा चीज़ अप्लाई होगा, सीएसटी। कस्टमर पे क्या अप्लाई होगा, सीएसटी। दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग हुई है, सेल कहाँ हुई है, राजस्थान में, इंटर स्टेट सेल्स हो गया तो सीएसटी होगा, लेकिन सीएसटी कलेक्ट कौन करेगा, दिल्ली गवर्नमेंट। क्यों भाई, दिल्ली गवर्नमेंट क्यों, क्योंकि ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, जहां से गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हुई है उस स्टेट को टैक्स लेने का परमिशन था, तो दिल्ली गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। वैट भी दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा, सीएसटी भी दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा। कहोगे सर यहां तो सीएसटी आपने राजस्थान गवर्नमेंट किया था, भाई इसको इसको कंफ्यूज मत करवाओ। ये सीएसटी कौन सा था, ये सीएसटी था जो मिस्टर ए ने पे किया था, किसको पे किया था, राजस्थान सरकार को, क्योंकि राजस्थान से सामान आया था। इस केस में, इस केस में ओरिजिन कहां था, इस केस में ओरिजिन कहां था, इस केस में ओरिजिन था राजस्थान में। इस केस में ओरिजिन कहां है, दिल्ली में। इस केस में ओरिजिन कहां है, ओरिजिन है दिल्ली में। मान गए जी, यस सर। ये बात तो हो गई। अब देखिए, ये आउटपुट टैक्स हो गई, इसके अलावा और कोई टैक्स आप नहीं ले पाएंगे, बीइंग ए सेलर आप यही दो टैक्स ले पाएंगे, एक्साइज ड्यूटी एंड वैट एंड सीएसटी। आपने पे किया ज़्यादा, आपने रिसीव किया ये, लेकिन गवर्नमेंट को अल्टीमेटली आप क्या पे करेंगे, बताओ जी बच्चे, बताओ क्या पे करेंगे। गवर्नमेंट को पे करेंगे आप नेट टैक्स। सर नेट टैक्स क्या होगा, आपको पिछले कई क्लासेस से सिखाते जा रहा हूं, आउटपुट माइनस इनपुट। जो अमाउंट आएगा वो गवर्नमेंट को आप पे करोगे, फाइनली पे करोगे, आप फाइनली आप पे करोगे, क्योंकि ये आपने पेड करी है। मैं लिखता हूं यहां पे, ये आपने पेड करी है, ये आपने रिसीव करी है। जो पेड करी है वो इनपुट है, जो रिसीव करी है वो आउटपुट है। ये इनपुट टैक्स है, ये आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स क्यों है, क्योंकि इनपुट क्या हुआ, परचेज हुआ तो इनपुट हुआ, उसके ऊपर जो टैक्स पे हुआ इनपुट टैक्स हुआ, और जो आपने सेल किया है वो आउटपुट है, आपने गुड्स बाहर भेजा है उसके ऊपर जो टैक्स है आउटपुट टैक्स आया। ये बात तो पिछली क्लास में भी हो चुकी थी, नेट क्या पे करोगे, आउटपुट माइनस इनपुट। अब देखिए क्या मजा आने वाला है। अब बताइए, यहां पे आपकी एक्साइज आउटपुट टैक्स है ना, एक्साइज किसको दिया आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यहां पे एक्साइज आपकी क्या, इनपुट टैक्स है, किसको दिया आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्साइज ड्यूटी किसको दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनमें से इसको माइनस कर दो, और जो नेट अमाउंट आता है वो गवर्नमेंट को पे कर दो, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेट एक्साइज किसको पे करोगे, पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पे कर दो जी। मान गए बच्चे, यस सर, मान गए जी। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जगह एक्साइज क्या किया है, रिसीव किया है, और दूसरी जगह एक्साइज क्या, सॉरी, एक जगह, ये दो जगह एक्साइज है ना, ये बंदे ने एक जगह पे किया है, दूसरी जगह रिसीव किया, उसका नेट अमाउंट पे कर देगा। अब आ जाओ वैट की बात करते हैं। ये वैट आपने किसको पे किया, दिल्ली गवर्नमेंट को। ये वैट सीएसटी किसको पे किया आपने, दिल्ली गवर्नमेंट को। तो चलो लिखता हूँ, वैट प्लस सीएसटी टू दिल्ली गवर्नमेंट माइनस वैट टू दिल्ली गवर्नमेंट, कर दो भाई। क्यों सर, क्योंकि वैट एंड सीएसटी आपने किसको पे किया, दिल्ली गवर्नमेंट को, और ये वैट किसको पे किया, दिल्ली गवर्नमेंट को, दोनों को माइनस कर दो। मान गए, नेट अमाउंट किसको पे कर दो, नेट अमाउंट किसको पे कर दो, दिल्ली गवर्नमेंट को, पे टू दिल्ली गवर्नमेंट। लेकिन
इस नेट अमाउंट को निकालने से पहले आपने एक और काम करने की कोशिश की होगी। आपने क्या कोशिश किया होगा, आपने क्या कोशिश किया होगा, मिस्टर ए की एक इनपुट और है। वो इनपुट कौन सी है, वो इनपुट है उसकी सीएसटी। देखो ना, सीएसटी भी इनपुट है। आपने यहां से सीएसटी टू राजस्थान गवर्नमेंट ये भी माइनस करने की कोशिश की होगी। सीएसटी टू राजस्थान गवर्नमेंट भी माइनस करने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये आपकी आउटपुट है, ये आपकी इनपुट है, ये बात सच है, ये भी आपकी इनपुट है, ये भी बात सच है। लेकिन आप इसको माइनस करके दिल्ली गवर्नमेंट को अगर पे करने के लिए गए, दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पर काटा मार दिया। क्या भाई साहब पागल समझ रखा है क्या, मैं ये क्रेडिट आपको अलाउ नहीं करूँगा। आपको क्यों भाई, क्यों अलाउ नहीं करोगे, मेरी ये आउटपुट है, मैंने आपको टैक्स पे किया है। मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने वैट पे किया आपको 10,000, सीएसटी पे किया आपको 15,000, दोनों मिला के 25,000 पे किया है मैंने, सॉरी रिसीव किया है 25,000 मैंने रिसीव किया है, और मैंने आपको वैट पे किया था, वैट इनपुट, ये वैट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इस वैट की। मैंने आपको वैट पे किया था, कितना, मैंने आपको 12,000 की वैट पे करी थी, पे टू दिल्ली, और मैंने राजस्थान गवर्नमेंट को भी 10,000 की वैट पे की है। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि आपने किसको पे करी है, राजस्थान गवर्नमेंट की, तो मैं क्यों माइनस करूं, मैं नहीं माइनस करता है। अगर आपको माइनस करवाना तो किसके पास जाओ, राजस्थान गवर्नमेंट के पास जाओ। मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। मेरे पास जो पैसा आया है उसमें से तो मैं अलाउ कर सकता हूं, जो पैसा मेरे पास आया ही नहीं है उसमें से कैसे अलाउ कर सकता हूं। ये पैसा किसको गया, राजस्थान गवर्नमेंट को गया, तो ये तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। साफ मना कर दिया, और दिल्ली गवर्नमेंट ने मना करके गलत नहीं किया है, बिल्कुल सही किया। दिल्ली गवर्नमेंट कहता है पहले मेरा हिसाब किताब तो फाइनल करो, मुझे 13,000 का नेट टैक्स पे करो, और आपको 13,000 की नेट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर राजस्थान वाली 10,000 की अमाउंट भी आपको अलाउ कर दी गई होती, राजस्थान की 10,000 रुपये भी आपको अलाउ कर दी गई होती, तो आपको नेट में कितना पे करना पड़ता, ओनली 3,000। लेकिन अलाउ ही नहीं हुआ, सैडली अलाउ नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन आपके साथ क्या बुरा हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आपको ये क्रेडिट नहीं मिला, दिस क्रेडिट हैज नॉट बीन अलाउड टू मिस्टर ए, नहीं मिला आपको, अगर ये क्रेडिट आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने पेमेंट किसको करी है, राजस्थान गवर्नमेंट को, और राजस्थान गवर्नमेंट को आपने पेमेंट करी है, लेकिन आउटपुट टैक्स में राजस्थान वर्ड कहीं पे है ही नहीं, आउटपुट टैक्स में राजस्थान वर्ड कहीं पे नहीं है, तो फिर इस इनपुट का क्रेडिट कौन दे सकता था, राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान तो है नहीं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा ही नहीं, और कभी मिल भी नहीं सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब एक वेंडर होता है, मिस्टर ए ने अगर सामान बेचा है तो वो दो तरह की टैक्स ही कलेक्ट करेगा, एक तो एक्साइज ड्यूटी, जो कौन ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा वो क्या कलेक्ट करेगा, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ऑरिजिन वाले का। ऑरिजिन कहाँ पर, दिल्ली में, राजस्थान तो कभी यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। तो साफ सी बात है कि ये अमाउंट की क्रेडिट आप भूल जाओ, आपको कभी नहीं मिलने वाला है। और जब इसकी क्रेडिट आपको कभी नहीं मिलेगी, और ये प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, ये प्रॉब्लम हर मैन्युफैक्चरर के साथ, ये क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, इस 10,000 रुपीज को कार की कीमत में प्लस कर दोगे। बताया था पिछली क्लास में कि अगर क्रेडिट आपको नहीं मिलती है, तो अल्टीमेटली आप फोर्स हो जाते हैं किसके लिए, उस टैक्स को जो आपने पे किया है, अल्टीमेटली आप कंज्यूमर से कलेक्ट करोगे, और ये क्या हो गया, इसमें प्लस हो गया, क्रेडिट मिला ही नहीं आपको। इससे क्या हुई, कार की कीमत बढ़ गई। लाइट बंद कर देना हर जगह, लाइट, कार की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। कार की कॉस्ट क्या हुई, बढ़ गई। कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया, यही तो पिछले से बात कर रहा था मैं आपसे। कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया, क्या बात है सर, मजा आ गया, कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया, यस सर। और वैट सिस्टम को लाया किस लिए गया था, इसी कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए, लेकिन दूर तो हुआ, लेकिन 100% नहीं हो पाया।
दूर तो हुआ लेकिन 100% नहीं हो पाया, कुछ जगह समस्याएं रह गई। और इस तरह की समस्याएं जनरली किसके लिए हुई? इस तरह की समस्याएं जनरली हुई किसके लिए? वेंडर के लिए और सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ये जो प्रॉब्लम हुई जनरली किसकी प्रॉब्लम हुई है? ये प्रॉब्लम जनरली हुई वेंडर के लिए। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये बात समझ गए कि वैट होने के बावजूद भी जो पुराने इनडायरेक्ट सिस्टम थे, लॉ थे, उसमें 100% क्रेडिट नहीं मिल पाता था। जो पिछले क्लास मैंने कई सारी बात रिपीट किया था कि कुछ केसेस में क्रेडिट नहीं मिल पाता, तो वो कौन सा केस है? यही केस है। वो कौन सा केस है? यही केस है, यही केस है, यही केस है, यहां क्रेडिट नहीं मिल पाता था। तो वैट 100% फुल प्रूफ नहीं हो पाया। पुराने इनडायरेक्ट सिस्टम इंप्रूव्ड काफी हो गए थे लेकिन फिर भी 100% क्रेडिट नहीं मिलता था, इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट को 100% रोका नहीं जा सका था। लेकिन उसके साथ साथ ये तो उसकी ड्रॉबैक थी ही थी, एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक में से एक ड्रॉबैक ये भी थी, इतनी सारी एजेंसीज, एक्साइज ड्यूटी की अलग संस्थाएं हैं, वैट की अलग है, CST की अलग है, सर्विस टैक्स की अलग है, कस्टम की अलग है। आप एक बार आंख बंद करके सोचो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूं, तो आपको 2-3 महीना तो इसी में लग जाएगा कि चलो इस हर सब जगह क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ उनके सारे कंप्लायंसेस पूरे लाइफ टाइम पूरा करते रहने पड़ेंगे। हालांकि अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सब कुछ क्या हो गया है? मर्ज हो गया है। ये सारे लॉज क्या हो गए? मर्ज हो गए। और मर्ज होकर के इसे मान लो एक डब्बा बनाया मैंने ये, और इसमें सारे लॉग, एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो अभी नहीं हुआ पूरी तरह से मर्ज, इसलिए इम्पोर्ट अभी अलग है ही, एक्साइज ड्यूटी या वैट या CST या सर्विस टैक्स, इन सबको इसमें डाल दें, इस डब्बे को डाल के इसको पैक कर दें, और इसका नाम क्या रख दें? इसका नाम रख दें GST। ये सब कुछ इसमें मर्ज हो गया, इसका नाम GST हो गया। और इस GST से जो टैक्स आएगा वो टैक्स किस में बंट जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। यहां पे हमने क्या कर रखा था कि टैक्स अलग अलग कलेक्ट करके कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। इससे अच्छा है कि कंबाइंड टैक्स लो, एक साथ टैक्स लो और उस टैक्स को आपस में बांट लो। लेकिन अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा कंक्लूजन है कि एक्साइज ड्यूटी 100% खत्म हो गया तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि वैट 100% गलत खत्म हो गया तो गलत है, CST खत्म हो तो गलत है, सर्विस टैक्स खत्म हो गया, अफकोर्स सर्विस टैक्स खत्म हो गया है, सर्विस टैक्स 100% खत्म हो गया है, सर्विस टैक्स 100% खत्म हो गया, फिर से बोल रहा हूँ, सर्विस टैक्स 100% खत्म हो गया है, लेकिन एक्साइज वैट एंड CST एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अभी भी बचा हुआ है। जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी मैं दिखा के छोड़ूंगा आपको, कुछ भी हो जाए मैं स्टार्ट में दिखा के छोड़ूंगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी उस वक्त ही बताया था कि ऑलमोस्ट क्या हो गया है। देखिए, ये देखिए प्रूफ हमारे पास है। मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट किस में कन्वर्ट हो गया है? GST एंड कस्टम। लेकिन ऑलमोस्ट का मतलब 100% नहीं होता है, कुछ परसेंटेज अभी भी एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सब बचा हुआ है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बेकार नहीं जाएगा, वो भी आपके यूज में है, 100% यूज में। ठीक है जी बच्चों, तो यहां तक की बातें आपसे हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास, अभी तक की क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ में आई तो भी मैं एक एक लास्ट सेंटेंस में एक बात बोल देता हूं कि जो अभी वैट सिस्टम थे या इनडायरेक्ट सिस्टम थे, इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम थे, इस सिस्टम में एक परेशानी क्या थी कि 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता था, वॉज नॉट अवेलेबल। इतनी सारे झमेले की अगर आप समझ नहीं पाए तो आप छोड़ दो इन बातों को, जरूरत नहीं समझने की, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ? कहीं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, वो एक एक बात को समझना चाहते हैं। तो साइंटिस्ट वाले बच्चों को मुझे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? ऑफ कोर्स पढ़ाना है, तो मैंने उनके लिए पढ़ाया है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते कहते इतना झमेला नहीं करना है सर, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लो तुम्हारे लिए एक सेंटेंस बोल दिया। कुछ ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट होते थे जो 100% अवेलेबल नहीं होते थे, तो अल्टीमेटली वो गुड्स की कीमत में ऐड होता था और कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। उसको दूर करने के लिए क्या लाया गया? GST लाया गया। जो दो टॉपिक मैंने आज की क्लास के लिए डिसाइड किया था वो दोनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। कौन से टॉपिक? दो टॉपिक थे,
एक तो थे कि सम केसेस, कुछ केसेस जहां पे ITC वर इनपुट टैक्स क्रेडिट वर नॉट अलॉट, ये भी कवर हो गए। और कुछ केसेस क्या, कुछ दूसरा पॉइंट क्या था, मेजर डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स प्रायर टू GST। अब आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया, ये मैं मानता हूं या मानती हूं कि सम केसेस वर ITC वर नॉट अलाउड, लेकिन ये आपने कब पढ़ाया? भाई आपको जानकर हैरत होगा कि ये भी मैंने पढ़ा दी। भाई डिफेक्ट्स है क्या? यही तो डिफेक्ट्स है। पहला डिफेक्ट्स क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट 100% नहीं मिल पाता था, ये भी एक डिफेक्ट्स है। दूसरा डिफेक्ट क्या हो गया कि इतनी सारी एजेंसीज थी, इतने सारे लॉज बने हुए थे कि लोगों को उसकी कंप्लाइंसेस पूरा करने में काफ़ी तकलीफ होती थी, काफ़ी परेशानी होती थी। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान कम देता था, रादर कंप्लाइंस पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो ये इसके मेजर मेजर डिफेक्ट्स थे जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आइए फिर भी लास्ट में आपको ये डिफेक्ट्स हम आपके बुक से डिस्कस कर देते हैं और उसके बाद क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जी बच्चों क्या है मेजर डिफेक्ट्स। पहला क्या था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक लाइन पढ़ा करके कोई फायदा नहीं होगा। देखिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज इम्पावर्ड टू लेवी कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज। ऑन द अदर हैंड स्टेट गवर्नमेंट वॉज इम्पावर्ड टू लेवी वैट्स, सेल्स ऑफ गुड, लग्जरी टैक्स एंड ऑल दैट एक्स्ट्रा एक्ट्रा एंड दैट, पढ़ा चुका हूँ। वेरियस ऑथराइज, दिस इज कंसिडर टू बी मेजर डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन प्री GST एरा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इतने सारे एजेंसीज थे, देखो ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बींग लेविड बाय द वेरियस अथॉरिटीज, दिमाग का दही बन जाए, इतने सारे एजेंसीज थे पहले। नॉन अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, मतलब साफ सी बात हुई कि सारे क्रेडिट हर जगह नहीं मिल पाते थे। द लेवीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट लेवीज वर नॉट अलॉट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने चार्ज किया है और स्टेट गवर्नमेंट ने चार्ज किया है, वो आपस में एक दूसरे को क्रेडिट नहीं दे पाते थे। इन्होंने तो एक ही सेंटेंस में लिख के खत्म कर दिया है, मैंने कितनी सारी आपको बातें समझाई है। दैट लेड टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, फॉर एग्जाम्पल डीलर हु हैज पेड द CST, जिसने CST पे किया और इंटर स्टेट परचेजेस, इसको क्या लगता है, इन्होंने एक सेंटेंस लिख दिया है लेकिन मुझे समझाने के लिए क्या करना पड़ा, आधा पौने घंटा बोलना पड़ा आपको। वॉज नॉट अलाउड टू यूटिलाइज सच CST अंडर ITC अगेंस्ट द वैट पेबल ऑन सेल्स। ऑब्स्ट्रक्टेड मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स जाता था ना तो काफ़ी सारे बैरियर्स होते थे, ट्रैफिक, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ हिंड्रेंसेज होते थे, काफ़ी सारे ऑक्ट्राय, एंट्री टैक्स, चेक पोस्ट, इतनी परेशानी होती थी। एक ट्रक लेकर निकलो ना तुम गुड्स यहाँ से बंगाल के लिए, पता नहीं कितनी परेशानी आपको होती थी पहले के ज़माने में। ये सब है मल्टीपल एंड रिपीटिव कंप्लाइंसेस, एक ही बात बार बार, एक ही चीज़ हर अलग अलग एजेंसीज के पास जाने पड़ते थे, उनसे कॉस्ट भी बढ़ती थी और साथ साथ खर्चे भी लगते थे और साथ साथ टाइम भी जाता था। ये सब चीज़ वैट में अपने आप क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सारे लॉज को सब्स्यूम्ड कर दिया गया, सब्स्यूम्ड मतलब एब्जॉर्ब कर दिया गया, ठीक है ना, किस में, GST सिस्टम में। अब देखो नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि वैट हैज़ बीन सब्स्यूम्ड इन GST, द मेथड ऑफ कंपटीशन ऑफ वैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ बीकॉम अंडर सिलेबस, फिर भी डिस्कस किया गया है क्योंकि आपके सिलेबस का ये पार्ट है। द इंट्रोडक्शन ऑफ GST एट बोथ सेंट्रल स्टेट लेवल हैज़ ओवरकम द अबव प्रॉब्लम, जो मैंने बॉक्स बनाई थी ना अभी आपको, द रीजन बींग देयर इज नॉट ओनली इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बट ऑल्सो द स्टेट लेवल टैक्सेस। ये वही बात समझा रहा है जो बात मैंने यहाँ पर समझाई है कि क्या करो, सारे टैक्सेस को एक साथ मर्ज करके एक डब्बे में डाल दो और उस डब्बे का नाम क्या रख दो, GST रख दो, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहोगे सर GST इतना आसान है कि GST बना दिया, सेंट्रल और स्टेट ने बांट लिया तो फिर तो हो गया कोर्स ख़त्म, ऐसा नहीं है, इसमें और भी बहुत बातें हैं। लेकिन आज की क्लास में ये बातें ख़त्म हो चुकी है कि GST की ज़रूरत क्या थी, प्री GST इरा की जितनी बातें थी सब डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन यूनिट वन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यूनिट वन में दो चैप्टर्स थे, चैप्टर वन एंड चैप्टर टू, चैप्टर वन कंप्लीट हो गया। शुरुआत वाले लेक्चर्स जो मैं दे रहा हूँ आपको वो एग्जामिनेशन में इससे कम आएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में जो आएंगे उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जीएसटी के जितने भी टॉपिक्स आगे चल के हम डिस्कस करेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा अगर ये सब बेसिस में ये सारे टर्म्स आपको पता नहीं होगा, ये सब कहानी आपको पता नहीं होगा। इसी वजह से मैंने इतनी जान लगा के ये सारी बातें समझाई है और ये सब बातें समझ करके अपनी बेस को स्ट्रांग कीजिए, सो दैट कि जीएसटी के लॉ को आप क्या कर सके बहुत ही आसानी से समझ पाए। तो बच्चे आज के बस इतना ही, अगली क्लास में सेकेंड चैप्टर के साथ मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।